वृंदावन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए की जा रही तैयारियों और कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। ऊर्जा मंत्री ने जनपद के अधिकारियों को कुंभ मेले की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय में पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। ऊर्जा मंत्री के अनुसार आज की बैठक कुंभ मेले में बेहतर व्यवस्थाएं किए जाने के लिए की गई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सभी विभागों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। कुछ विभागों को धन आवंटित कर दिए गए हैं, कुछ को शीघ्र आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संतों की इच्छा है कि यहाँ बेहतर व्यवस्था हो। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र को संरक्षित किए जाने की मांग संत समाज कर रहा है। संतों की इच्छा के अनुरूप इस स्थान को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही वे कुंभ मेला स्थल का भी निरीक्षण करेंगे और यहाँ जो अतिक्रमण है उसे शीघ्र हटवाएंगे। वृंदावन में मासूम की रेप के बाद हत्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना है। जिला प्रशासन पुलिस के आला अधिकारी परिवार के संपर्क में हैं, निश्चित ही न्याय मिलेगा। किसान आंदोलन के बारे में कहा कि हमारी सरकार लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है, शीघ्र ही इसका भी समाधान निकलेगा। देखिए, वृंदावन में दिव्य कुंभ हो उसके लिए सभी तैयारियां ठीक से हों, उसके लिए एक आधिकारिक रूप से आज मुख्यमंत्री जी के उस पर एक बैठक हुई थी और उसमें किस किस विभाग ने क्या क्या अपना बजट दिया है, क्या क्या तैयारी अपना विभाग कर रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म प्रेजेंटेशन था। और अभी चीफ सेक्रेटरी की बैठक इसमें हो चुकी है, बहुत जल्दी कुछ विभागों का जो धन है वो आवंटित कर दिया गया है। कई ऐसे विभाग हैं उनका अभी आवंटन होना है, वो बहुत जल्दी आवंटन हो जाएगा। और संतों की यहाँ सबसे बड़ी ये मांग है कि जो मेला क्षेत्र है उसको संरक्षित किया जाए। अभी बड़ी तादाद में वहाँ इंक्रोचमेंट है, तो कल मैं 9 बजे सभी अधिकारियों के साथ में जो मेला क्षेत्र है उसका दौरा करूँगा और इंक्रोचमेंट हटे वहाँ से और भविष्य के लिए वो एरिया वहाँ संरक्षित रहे, तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। अगली जो बैठक रहेगी, क्योंकि अभी छोटी बैठक थी, तो अगली बैठक में और अगली बैठक हमारी कुंभ क्षेत्र में ही होगी और बड़ी बैठक होगी, इसमें सभी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। सबको करें, किसी तरह की कोई सूचना दी जा रही है अभी, जबकि अहम भूमिका रहती है। देखिए, ये जो कुंभ है वृंदावन का, ये ब्रजवासियों का कुंभ है। ये उसमें हमारे यहाँ जो हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे साधु संत हैं, हमारे प्रबुद्ध जन हैं, बुद्ध जन हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं, सबका ये कुंभ है। इसमें सबका हम लोग सहयोग लेंगे। कोविड चल रहा है इसके कारण थोड़ा छोटी बैठक थी, तो अगली बैठक कुंभ क्षेत्र में ही रखेंगे और सबको वहाँ आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये कुंभ ब्रजवासियों का कुंभ है, ये कुंभ बड़ा कुंभ है, क्योंकि हरिद्वार से पहले ये कुंभ लगता है। संतों का एक आक्रोश है कि कुंभ मेला को संत समागम के रूप में पेश किया। नहीं, आज वो बात भी स्पष्ट होगी, आज जब प्रेजेंटेशन आप देखा होगा, आपके पास तो फोटो भी होंगे, वो कुंभ मेले के हिसाब से ही है। और फिर ये और भी, जैसे अब बैठक लगातार होती रहेंगी, उसमें जो जो पूज्य संतों के जो सुझाव आते रहेंगे, हमारे सब वृद्ध जनों के जो सुझाव आते रहेंगे, आप सब मीडिया के मित्रों के सुझाव आते रहेंगे, उन सब सुझावों का संयोजन भी हम लोग करेंगे, उनको भी समाहित करेंगे अपने आगामी कार्यक्रमों में। किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और मथुरा में भी लोग जाम लगा रहे हैं, तो इसको लेकर के देखिए, सरकार उसको लेकर बहुत संवेदनशील है। कई राउंड की हमारी बैठकें भी हो चुकी हैं और हम अपनी बात सभी किसान भाइयों को, अपना जो मत है वो हम स्पष्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये आपके हित में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। बेटी बहुत दर्दनाक ये घटना है और झकझोर करने वाली भी घटना है और इसमें सख्ती के साथ पुलिस अपना काम कर रही है और जो पीड़ित पक्ष है उसको भी हमने सुना है, सरकार ने सुना है, हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और न्याय मिलेगा।